नमस्कार, मैं अंजनी कुमार आज के लाइव सेशन स्वागत करता हूं। एक्चुअली हमारे टाइम 9 बजे ही आपके सामने लाइव आना था, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से, फेसबुक के कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, कुछ इशू आ रहे थे, जिसके वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया आपके सामने, थोड़ा हूँ, बट डोंट वरी, आपके बहुत सारे सवाल हमारे पास हमें आंसर करना है। मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने पूछा और आप लोग इंटरेस्ट, ऐसे भी जो भूमंत्र की टीम की जो बेसिक जो वो यही है कि हमारे समाज के वैसे स्टूडेंट जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो हमसे जुड़ें, हमारे साथ बात करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें और पढ़ाई में जो उसके लिए काम किया जाए। तो अब मैं शुरू करने करता हूँ। जो भी एक्चुअली हुआ क्या है, जैसा कि मैंने पिछले लाइव डिस्कस किया था प्रॉपरली, अभी फिलहाल कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि क्लैट कमेटी ने, क्लैट कंसोर्टियम ने जो 2008 से लेकर 2019 तक जो अभी तक कंटिन्यू सिलेबस चले आ रहे थे उसमें कुछ एक्चुअली ये छोटे से चेंजेस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो कंटिन्यू इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट को। पिछले सीरीज में जब मैंने लाइव सेशन किया था तो बहुत सारे और उनका ये कंसर्न था कि एक और लाइव सेशन किया जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में आ रहे थे कि अब नया पैटर्न आया है तो उसे कैसे प्रिपरेशन किया जाए, क्या किया जाए, कौन से बुक्स यूज किए जाएं, नए क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो हमने सोचा कि चलो एक और लाइव सेशन और आपको दे दिया जाए, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उस पर। तो आज क्लैट पे ही हमारा प्रॉपरली फोकस है क्वेश्चन आंसर का, लेकिन इसके साथ साथ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 3 ईयर LLB के लिए DU या BHU या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उसके लिए प्रिपरेशन की बात करते हैं। मैं उनके क्वेश्चंस को भी लूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मेरे पास लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी और जो भी क्वेश्चन आपके पास वो ये आज के लाइव सेशन में आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली आपको करूंगा। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो हिमांशु का क्वेश्चन है। हिमांशु जी का क्वेश्चन है कि नया पैटर्न चेंज होने के बाद, जो नया पैटर्न क्लैट का आया है, उस पैटर्न में क्या लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हिमांशु जी का ही नहीं है और भी बहुत सारे स्टूडेंट क्यों चल रहा है। तो बात है लीगल के क्वेश्चन का, तो हिमांशु जी एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि कॉमन लॉ एग्जामिनेशन में लीगल ये कंफर्म है, आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। आपने जो अभी तक पढ़ाई किया होगा वो भी यूजफुल होंगे और आगे आपकी स्ट्रेटजी बदलकर जो नया पैटर्न है अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, वो प्रॉपरली यूजफुल होगा आपके लिए। तो लीगल रिलेटेड क्वेश्चन की बात अगर की जाए कि आएगा या नहीं, तो कन्फर्म जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था आप लोगों से कि जो लीगल के क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली जो लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग होता था वैसे ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होकर क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा,
इन्फेरेंसेस टाइप के क्वेश्चंस लीगल में पूछे जाएंगे। दूसरा सत्यम जी का, सत्यम का क्वेश्चन है कि मार्क्सियन कैसे होंगे। इनका भी क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। तो जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा अभी फिलहाल कि देखिए अभी जो हमारे पास क्लैट कंसोर्ट वो एक्चुअली प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है। तो उस प्रेस रिलीज में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे फाइनल डिस्कशन अभी नहीं हो पाया है, कोई फाइनलाइज नहीं कर पाए हैं क्लैट कंसोर्टियम के लोग, कमेटी के लोग, कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अभी तक ये भी कंफर्म है। एक जो प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग जो कहा रिलीज में जो मेंशन था उसके अकॉर्डिंग 120 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट अभी कंफर्म नहीं है 120 होंगे या 150 होंगे। तो प्रॉपर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है हमारे। अगर 150 के अकॉर्डिंग रहा तो मैं एक एज्यूम करके बता सकता हूं आपको कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे हमें जैसा लग रहा है अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स हैं, मे बी 10 या 15 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाए। इंग्लिश के क्वेश्चन रिमेन हो सकते हैं, थोड़ा सा ये इसमें करंट अफेयर्स में चेंजेस हो सकते हैं, रीजनिंग में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, 30 मार्क्स के अराउंड पूछा जा सकता है। और कुछ आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा जो एजम्पशन कहें ये अराउंड 150 के अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है हिमांशु जी का ही कि इंग्लिश और रीजनिंग में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हिमांशु जी फाइनलाइज तो नहीं हो पाया है, उस प्रेस रिलीज को हमने एनालाइज किया है या नालसार के जो वीसी हैं प्रोफेसर फैजान उनके वर्डिंग्स को मैंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग या प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग भी क्लियरली आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं या जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो प्रॉपरली आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें तो ग्रामेटिकल क्वेश्चन या वोकैबुलरी वाले जो टेस्ट होते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे, खासकर वोकैबुलरी वाले। एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते थे या प्रीपोजिशन का कुछ टेस्ट के बारे में पूछा जाता था, कुछ आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते थे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ वर्ड मीनिंग पूछे जाते थे वोकैबुलरी में। तो इसमें चेंजेस आएंगे, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, कॉम्प्रिहेंसिव को होने का मतलब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, इसके अलावा पैराजम्बल पूछा जा सकता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जहां तक रही बात रीजनिंग की कि क्या क्या चेंजेस होंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीजनिंग में जो चेंजेस होने वाले हैं वो रीजनिंग में डायरेक्टली रीजनिंग ना कह के वहां पे डिडक्टिव रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग बोला गया है। तो पिछले सेशन में भी हमने कहा था कि डिडक्टिव रीजनिंग में रीजनिंग भी होंगे और उसके साथ साथ
लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग होगा उसमें होंगे। तो रीजनिंग में जो चेंजेस होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपके स्टेट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी संख्या ज्यादा, वो ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस होते थे यानी कि आप ये ब्लड रिलेशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, या कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, लेटर सीरीज है, अल्फाबेट है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े कम हो सकते हैं। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायग्राम वाले क्वेश्चंस कंफर्म पूछे जाएंगे जो एजम्पशन है हमारा, और से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको प्रॉपरली इन सारे चीजों पे फोकस करना होगा। क्वेश्चन हमारे पास आया है कि क्या, ये शोभना का क्वेश्चन है, क्या मैथ का मार्क्स को कम किया जाएगा क्योंकि फुल मार्क्स 200 से कम करके 150 किया जा रहा है। तो जहां तक बात मैथमेटिक्स की है तो मैथमेटिक्स में भी पहले न्यूमेरिकल नाम से टॉपिक हुआ करता था मैथमेटिक्स का, बट इस बार जो टॉपिक बनने वाले हैं वो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के तरह से हो सकते हैं, एटीट्यूड कहा जा रहा है उसको। तो इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं, जहां तक मैंने कहा कि मे बी 10 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, और जो मैथ के क्वेश्चन होंगे का ये भी क्वेश्चन है कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका वेटेज कितना होगा। तो शोभना, जैसा कि मैंने बताया, 15 मार्क्स के आसपास का वेटेज हो सकता है इसका मैथमेटिक्स का। और जो क्वेश्चन के टाइप की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का टाइप नॉर्मल जो हम लोग देखते थे कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जा रहे थे, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, कट कर दीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन। और जो क्वेश्चंस होंगे इस बार, जहां तक कि मैंने पहले ही कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड कलेक्ट के इस बार, तो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन कहने का मतलब होता है कि इस बार आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपके पास एक एनालाइजिंग पावर होना चाहिए कि आप एनालाइज कर सकें, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन, यानी कि आप अगर टॉपिक एक सिंगल टॉपिक की अगर, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे क्लैट में इस बार। तो आपको प्रॉपरली डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सत्यम का, कि क्या सारे करंट मैटर से ही रिलेटेड होंगे या कुछ और हो। तो सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लीगल मैटर्स रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन यानी कि लीगल टच होंगे करंट अफेयर्स में, लीगल टच होगा इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांसु जी का कि करंट प्रिपरेशन कैसे करें। यहां तक मैंने प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के वर्डिंग्स को एनालाइज किया है, उन्होंने भी क्लियरली मेंशन किया है कि आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। तो न्यूज़पेपर है ही, आप एक अपना नोट्स प्रिपेयर करें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा कोई भी एक मैगजीन जो
से प्रॉपर रीड कर सकते हैं। इस .in पे जाकर आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अमन का क्वेश्चन है कि डिडक्टिव रीजनिंग के क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होंगे और कैसे होंगे। तो अमन, जहां तक मैंने कहा कि डिडक्टिव रीजनिंग में आपके लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे, इसमें इन्फेरेंसेस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब एक पैराग्राफ जिसमें कोई टॉपिक मेंशन होगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी कि इन्फेरेंसेस वाले क्वेश्चन लॉजिकल ये डिडक्टिव रीजनिंग में पूछे। तो ये क्लियर है आपके लिए ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोभना का हमारे पास कि न्यूज़पेपर के अलावा करंट अफेयर्स के लिए और क्या इम्पोर्टेंट है। यस, न्यूज़पेपर के अलावा अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर आप बात करें करंट अफेयर्स के लिए, एडिटोरियल कंटिन्यू आप करें, इसके अलावा कोई भी एक मैगजीन देते हैं मंथली मैगजीन को, जिसको आप प्रॉपर एनालाइज करके पढ़ें और उसे फॉलो करें। सचिन का क्वेश्चन है कि क्या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिक्रीज होंगे। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिक्रीज नहीं होंगे। रीजनिंग में दो कर दिया गया, डिडक्टिव रीजनिंग एंड लॉजिकल। तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसे क्वेश्चंस होते हैं लगभग वैसे ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक में तो हमें लगभग पता चल ही जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन का ही कि करंट अफेयर्स किस मंथ से इम्पोर्टेंट है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए, प्रॉपरली किसी मंथ का करंट अफेयर्स पूछा ये गारंटी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स होता है, अप्रैल के सेकेंड वीक तक का, वो इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास करके ये मंथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर इस चार महीने से ज़्यादा बेटर या ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट अगर पहले हो चुके हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर इवेंट अगर इस ड्यूरेशन में होता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको कंटिन्यू पढ़ने की ज़रूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन का कि इंग्लिश के लिए किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। इंग्लिश के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस न्यूज़पेपर पे, क्योंकि आपका लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और लैंग्वेज के साथ साथ वर्ड पकड़ में आने चाहिए। वर्ड इन द सेंस कि आपके वोकैबुलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आपको सेंटेंस पकड़ने की ज़रूरत होती है, यानी कि कंप्लीट होने का मतलब ही होता है कि आप उस पैटर्न को प्रॉपरली फॉलो करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा अगर आप कंटिन्यू, अगर अभी से भी आप अगर दो महीने कंटिन्यू न्यूज़पेपर करते हैं, दो तीन महीने, तो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस पे आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन का ही है कि करंट अफेयर्स कब से कब तक पूछे जाएंगे। से जो करंट अफेयर्स आएंगे वो 2019 के सारे पार्ट से आ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में अभी मैंने आपसे बताया, और अगर करंट अफेयर्स से रिलेटेड लीगल मैटर की जहां तक हमने बात की, करंट अफेयर्स में ज़्यादा आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं बात, 2019 के सारे पार्ट्स को तो कवर करना पड़ेगा, वन ईयर आपको कवर करना पड़ेगा, खासकर लीगल के लिए। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिसंबर से मार्च या अप्रैल तक ही इवेंट उसी को कवर करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। वो 2019 से लेकर 20 तक जब तक आपके एग्जामिनेशन होते हैं तब तक आपको प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है शिवांगी का। शिवांगी में टॉट कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी डिडक्टिव रीजनिंग में क्वेश्चन पूछेगा,
या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से ही इन्फेरेंशियल बेस्ड होंगे। देखिए, जहाँ तक प्रेस रिलीज की बात है तो प्रॉपरली ये तो नहीं मेंशन किया गया जो आईपीसी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं, लेकिन इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन होने का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे और बाकी हैं उससे क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। हाँ, आईपीसी से सबसे क्वेश्चन होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किसी से अगर वेटेज दिया जा सकता है तो उसके बाद है टॉट और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवांगी का ही है और इनका क्वेश्चन है कि क्या लीगल करंट अफेयर्स में जो भी रिसेंट केसेस हैं सबको डिटेल में पढ़ना होगा। देखिए, जो भी रिसेंट केसेस हैं उस होता है कि आप उस केस की पूरी कॉपी पढ़ें। इसका मतलब होता है कि उस वो केस क्या है, किससे रिलेटेड है, कहाँ अपील किया गया, कौन से कोर्ट चला, क्या जजमेंट आए, कौन से लोग इन्वॉल्व थे और किस चीज़ पे बेस्ड वो केस था, इस पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सत्यम जी का। क्वेश्चन है कि करंट अफेयर क्वेश्चन पूछेगा क्या, यस सत्यम, लीगल रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल का कि क्या स्टैटिक जीके नहीं पूछा जाएगा और क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इवेंट्स और डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। बादल, स्टैटिक जीके से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इस बार प्रॉपर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होंगे, जीएस होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी। बात रही कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इवेंट्स की और डेट्स की, तो वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उस पर आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विका का कि करंट अफेयर्स में किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। देखिए, करंट अफेयर्स में आप जिस टॉपिक पे पहले फोकस करते थे उस पे तो कंटिन्यू फोकस करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो जितने भी लीगल मैटर हैं, यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर हैं और जुडिशियल से रिलेटेड जितने भी लीगल मैटर हैं, चाहे वो बिल हो, कोई बिल पास हो रहा हो, अमेंडमेंट हो रहा हो या किसी इम्पोर्टेंट केस का जजमेंट हो, चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। बादल का कि क्या वर्ड पावर उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा अब। वर्ड पावर अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि लीग इस बार जो वो लीगल से रिलेटेड वर्ड ज़्यादा यूज होंगे, एनालाइज किया जा रहा है तो लीगल से रिलेटेड वर्ड होंगे और थोड़ा सा हार्ड वर्ड भी बोला जा रहा है, तो आपके लिए ये मैटर अभी आपके लिए बहुत ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है। अगर वर्ड को ही नहीं समझेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात्विका का किस किस टॉपिक पे फोकस करना सही रहेगा। मैथ में बेसिकली आपको सबसे ज्यादा फोकस डेटा इंटरप्रिटेशन पे करना सही रहेगा, एडिशनली आप बाकी चीजों को आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन, शिवांगी का क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन कहने का आपके पास प्रॉपरली आप कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे फोकस करना शुरू करें, पढ़ें और उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनता कैसे है और क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा रही बात क्वेश्चन के प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए आपके IEEE के ऐप पे आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने हैं, या IEEE के वेबसाइट पे भी आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। और रही बात अदर क्वेश्चन के प्रैक्टिस की, तो फिलहाल आप दिसंबर तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाते हैं
तब तक आप किसी भी बुक से कंप्रिहेंशन का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्या का कि ग्रामर से क्वेश्चन डायरेक्ट या नहीं। मान्या, ग्रामर से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली होने की संभावना कंफर्म तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, बट ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन होने के, ठीक है। अगर ग्रामर से क्वेश्चन होते भी हैं, अरेंजमेंट हो गए या जंबल हो गए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर मान के चलें कि स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन वो तो क्वेश्चन तो होंगे, क्वेश्चन होंगे बट कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सत्यम का कि इंग्लिश में कंसन और क्लॉज टेस्ट के अलावा किन किन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी के अकॉर्डिंग आप ये समझें, फिलहाल प्रैक्टिस करें कॉम्प्रिहेंशन, जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट ज़्यादा फोकस करें। बाकी का अपडेट दिसंबर के लास्ट में होगा। बादल का क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंशन का लेवल पहले से ज़्यादा होगा या सिमिलर होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले से ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है। शिवांगी का क्वेश्चन है कि क्या सिम्स और लैटिन वर्ड से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ईगल मैक्सिम से क्वेश्चन इस बार थोड़े कम पूछे जाएंगे या मे बी ना भी पूछे जाएं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है आपका। प्रेम का क्वेश्चन है ईयर एलएलबी के एडमिशन से रिलेटेड कि उसके पैटर्न, सिलेबस और टाइप ऑफ क्वेश्चन और कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो प्रेम मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट संडे का जो हमारा सेशन उसमें मैं 3 ईयर एलएलबी पे मैं स्पेशली फोकस, तो आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिए और मैं नेक्स्ट संडे को मैं इस पर प्रॉपरली फोकस करूँगा। अन्या का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंशन में मैथ के क्वेश्चंस किस टाइप। तो मान्या, आपको पहले भी बताया और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे, यानी कि टेबल से रिलेटेड, ग्राफ चार्ट से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। कि क्या करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो बादल, करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है। एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, बट जनरली आते हैं और आएंगे। और इनका क्वेश्चन है क्या वो रिसेंट के होंगे। यस, वो रिसेंट के होने चाहिए, वो ओल्ड वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि क्लियरली मेंशन किया गया है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आफ्टर 1 ईयर का नहीं कोई मैटर करता है। तो आज मैंने इन सारे क्वेश्चंस को लिया। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमें ये कर सकते हैं क्वेश्चन। आप, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फाइनली। राज का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज का कि क्लैट सैंपल पेपर रिलीज करेगा। यस, क्लैट इस ईयर रिलीज करने वाला है, दिसंबर के लास्ट वीक में क्लैट का सैंपल पेपर आ जाएगा और मैं भी आप लोग या सैंपल पेपर प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और
अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद। मैं आगे पिछले नेक्स्ट संडे सामने रहूँगा अभी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, क्लैट से रिलेटेड और थ्री एलबी से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर मैं अगले, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।